हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद सैम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाल साग के पकौड़े। लाल साग इसे चौलाई भी कहते हैं, लाल भाजी भी कहते हैं, तो इसके पकौड़े बनाएंगे। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर एक बार इस तरीके से बनाकर देखें। या मैंने एक बंच एक मुट्ठी ले लिया है लाल साग, अच्छे से वॉश करके इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। दो प्याज लिया है जो कि छोटे साइज में थी, आप बड़े साइज में ले रहे हो तो एक ले लेंगे चलेगी, और स्लाइसेस में कट कर लिया है। तीन हरी मिर्च को इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। और सभी को कट करने के बाद यहाँ पर देखें, एक बोल में मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ सभी को। अब हम इसमें डालेंगे 1/3 कप चावल का आटा, 1/2 कप बेसन, नमक 1 छोटी चम्मच या फिर स्वाद अनुसार, अजवाइन आधी छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच भर के अदरक लहसुन वाली पेस्ट, और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इसे मिक्स करने में मुझे 1/4 कप पानी लगी है। अगर आप चाहें तो टाइम है तो इसी तरीके से ढक के छोड़ देंगे, वो खुद ब खुद साग जो है पानी छोड़ेगी, इसी से आप मिला लेंगे। लेकिन फटाफट बना रहे तो थोड़ी सी पानी यूज करके अच्छे से मिला लें। और ये देखिए, तेल गर्म करने रख दिया था मैंने, तेल जैसे अच्छे से गर्म हो गई है, इसमें छोटे छोटे इस तरीके से बॉल बनाकर, मतलब कि पकौड़े शेप देकर डालते जाएंगे। तो ज़्यादा बड़े शेप में ना नहीं देंगे, छोटे छोटे डालेंगे तो जल्दी वो फ्राई हो जाएगी। और यहाँ देखें, 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे एक साइड से पका लेंगे, और फिर 4 से 5 मिनट पलट कर अगले साइड से पका लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये क्रिस्पी बनेगी। और यहाँ पर देखें, एक बैच और मैं बना रही हूँ। तो हाई फ्लेम पे पहले मैंने तेल को गर्म किया था, फिर लो फ्लेम पे करके पकौड़ों को डाल के लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट हम रखेंगे एक साइड से, फिर 3 से 4 मिनट एक साइड से दूसरे साइड से पकाएंगे, और लास्ट में 1-2 मिनट हाई फ्लेम पे हम इस तरीके से कर लेंगे। तो लास्ट में 1-2 मिनट हाई फ्लेम पे इस तरीके से कर लें, और ये बनकर तैयार है। तो बहुत अच्छी क्रिस्पी बनती है, ज़रूर आप ट्राई करें लाल भाजी के पकौड़े। और गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, आपके 1 लाइक से मोटिवेशन मिलती है काम करने की, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखें, बनकर तैयार है, इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और बहुत अच्छी बनती है ये देखें आप। तो इसे हरी चटनी के साथ खाएं या सॉस के, टमाटो सॉस के साथ खाएं, बहुत अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।